भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भैया अने बहनों ने राम राम। कीकम से मालवा निमाड़ की धरती ने मुझे हमेशा से बहुत प्यार दिया है। मैं जानता हूं रतलाम में 10 बजे के आसपास लोगों को बुलाना ये सबसे कठिन काम होता है, लेकिन मैं देख रहा हूं इधर भी उस कच्चे रास्ते से उधर से भी हुजूम का हुजूम चला रहा है। और यहां सामने उस बिल्डिंग तक मुझे माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। आपका ये प्यार, आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जब मैं गुजरात में था तब भी और बीते 5 वर्ष में प्रधानमंत्री के तौर पर भी कदम कदम पर आपने इस सेवक को जमकर के समर्थन दिया है। यही प्यार आज भी मैं यहां अनुभव कर पा रहा हूं। साथियों, मां कालिका और बाबा गढ़ कैलाश के सानिध्य में आना हमेशा दिव्य अनुभव रहा है। महान क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद को जन्म देने वाली भूमि को मैं नमन करता हूं। मेरे साथ इन सभी महापुरुषों के सम्मान में दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी भींच के नारा बुलाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ये हमारे संस्कार है, ये रतलाम के संस्कार है कि हम मां भारती के वंदन से अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, कांग्रेस को भारत माता की जय से दिक्कत है, उन्हें मुझे गाली देने में खुशी होती है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते। भाइयों बहनों, देश गाली भक्ति से चलेगा कि राष्ट्रभक्ति से चलेगा? गाली भक्ति से चलेगा कि राष्ट्रभक्ति से चलेगा? गाली भक्ति से चलेगा कि राष्ट्रभक्ति से? आपने देखा होगा नामदार भाषण की शुरुआत ही गाली से करते हैं। भाइयों और बहनों, संस्कारों में क्या फर्क होता है इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। कुछ दिन पहले यहां के सपूत लेफ्टिनेंट धर्मेंद्र सिंह जी ने आग के दौरान अपने युद्धपोत को बचाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान ही दिया है। मैं उन्हें
और उनके परिवार को नमन करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का नामदार परिवार ये क्या करते हैं, ये लोग पिकनिक के लिए देश के युद्धपोत का इस्तेमाल करते हैं। और जब सवाल उठते हैं तो निर्लज्ज होकर के, बेपरवाह होकर के, कोई डर के बिना कहते हैं हुआ तो हुआ, हुआ 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 तो हुआ तो हुआ तो ये तीन शब्द नहीं है, एक कांग्रेस की विचारधारा है। ये तीन शब्द नहीं है, ये कांग्रेस का अहंकार है। ये तीन शब्द नहीं है, देश की जनता के प्रति उनका रवैया है। ये तीन शब्द नहीं है, ये देश की जनता को अपनी जेब में लेकर के घूम रहे हैं, ये अहंकार का प्रतीक है। बोफोर्स तोप घोटाले पर इनका एक ही जवाब है, हुआ तो हुआ तो। पनडुब्बी घोटाले पर, सबमरीन घोटाले पर इनका एक ही जवाब है, क्या जवाब है, क्या जवाब है। हेलीकॉप्टर घोटाले पर इनका एक ही जवाब है, क्या जवाब है, जरा पूरी ताकत से बताओ तो उनको पता चले। हुआ तो हुआ तो। साथियों, इनके राज में हमारे वीर सपूतों को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं मिल पाती थी। आतंकी हमलों में, नक्सली हमलों में हमारे वीर साथी अपनी जान गंवा देते थे और ये लोग कहते थे हुआ तो हुआ तो हुआ तो। ऐसे मुश्किल सवालों का इनके पास एक ही जवाब होता था, सारे देश को पता चल गया है, हुआ तो। इसी तरह भोपाल में जो गैस कांड हुआ, जिसका खामियाजा आज भी लोग भुगत रहे हैं, उस बारे में बात की जाए तो उनका अंदाज यही रहता है, हुआ तो हुआ तो। साथियों, कॉमनवेल्थ घोटाला करके इन्होंने देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी, लेकिन जवाब है टूजी घोटाला करके इन्होंने देश में टेलीफोन सेवाएं महंगी कर दी, लेकिन जवाब है, जवाब है कोयला घोटाला करके इन्होंने देश की संपदा को लूट लिया, लेकिन इनका एक ही जवाब है, पूरी ताकत से बोलिए, दूर दूर खड़े हुए लोग भी बोलिए। साथियों, ये महामिलावटी लोग कह रहे हैं हुआ तो हुआ तो, लेकिन देश कह रहा है कि महामिलावटी लोगों अब बहुत हुआ, जनता की आवाज है अब बहुत हुआ, इनफ इज इनफ। वो मध्यम वर्ग जिसे कांग्रेस लालची कहती है, जिस पर टैक्स बढ़ाने की धमकी देती है, वो मध्यम वर्ग का मानवी कह रहा है महामिलावटी लोगों, मिडिल क्लास का अपमान
बहुत हुआ। वो नौजवान जिनके अधिकार अब कांग्रेस के करीबी लूट रहे हैं, वो नौजवान चीख चीख करके कह रहा है, महामिलावटी लोगों, भाई भतीजावाद बहुत हुआ, वंशवाद बहुत हुआ। वो गरीब महिलाएं जिन्हें कांग्रेस राज में भेदभाव के चलते रसोई गैस नहीं मिली, पक्का घर नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, वो मां वो बहन कह रही है, महामिलावटी लोगों, जातिवाद बहुत हुआ। वो गरीब जिन्हें कांग्रेस के शासन में सस्ता इलाज नहीं मिला, वो कह रहा है, महामिलावटी लोगों, गरीब के साथ भद्दा मजाक बहुत हुआ। वो देशवासी जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों की वजह से आतंकी हमलों में अपनों को खोया है, वो कह रहे हैं, महामिलावटी लोगों, आतंकवाद बहुत हुआ। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के नामदारों की सरकार की गलत नीतियों के कारण देश भर में आए दिन बम धमाके होते थे, बम फोड़ने वालों के तार सीमा पार पाकिस्तान तक जाते थे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, वो कहती रही हुआ तो हुआ। इतना ही नहीं, इन लोगों ने हिंदू आतंकवाद का एक नया सिगुफा गढ़ दिया, हमारी महान परंपरा को जबरदस्ती बदनाम करने की इस कांग्रेस की साजिश के कारण ही असली आतंकी बचते रहे और निर्दोषों का खून बहाते रहे। साथियों, यही कारण है कि आज ये आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करने से डरते हैं। आपने देखा कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक, दोनों पर इन्होंने सवाल खड़े किए। कांग्रेस की इसी सोच ने हमेशा देश का नुकसान कराया है, सिर्फ अपने परिवारों, अपने रिश्तेदारों और अपने दरबारियों के हित में ही सोच सकते हैं। अपने अहंकार में न ये झूठ बोलने से घबराते हैं, न झूठे वायदे करने से। आप मुझे बताइए, यहां इन लोगों ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था कि नहीं किया था? सब पे सब बताएंगे तो फिर मैं मानूंगा, वरना मैं भी क्यों मानूंगा। कर्ज माफी का वादा किया था, कर्ज माफी का वादा किया था, 10 दिन में करेंगे ऐसा कहा था, उनके नामदार ने आके कहा था, मध्य प्रदेश को 1 से 10 की गिनती सिखाई थी, और अगर 10 दिन में नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री को बदल देंगे कहा था कि नहीं कहा था, ये सब कुछ पब्लिक में कहा था कि नहीं कहा था। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है, जनता जनार्दन के सामने कहा था कि नहीं कहा था, उसको भी उन्होंने ठगा कि नहीं ठगा, आपको ठगा कि नहीं ठगा, ईश्वर को ठगा कि नहीं ठगा, इस पर भरोसा कर सकते हैं? आजादी के 55 साल एक परिवार ने इसी प्रकार से देश को ठगा है, क्या अब भी आप उनको ठगने का अधिकार देना चाहते हो क्या? किसी भी हालत में देना चाहते हो क्या? बिजली का बिल हाफ करेंगे कहा था ना, बिजली का बिल हाफ करेंगे ये कहा था का? ऐसा नहीं, जरा मुझे बताइए कहा था, कहा था? भाइयों बहनों, बिल हाफ हुआ या बिजली की सप्लाई हाफ हुई? भाइयों और बहनों, आज किसानों के घर पर पुलिस पहुंच रही है, कर्जदार किसानों के जेल जाने की नौबत आ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब है तुगलक रोड चुनाव घोटाला। दिल्ली में
जो इनके नामदार है उनके पोस्टर जो आज आप रतलाम में, मंदसौर में, जाबवा में, उज्जैन में देख रहे हैं, वो उस चोरी का माल है, भ्रष्टाचार का पैसा है, वो तुगलक रोड घोटाले का पैसा है। और ये पैसे आपके लिए भेजे गए थे, गरीब आदिवासी बच्चों, प्रसूता माताओं के पोषण के लिए जो पहला पैसा दिल्ली से भेजा गया था वो इन्होंने लूट लिया। पूरे देश ने देखा कि कैसे नोटों से भरे बोरे कांग्रेसियों के घर से निकले। साथियों, इनका अहंकार कल भोपाल में भी दिखा है। जब देश लोकतंत्र का पर्व मना रहा है, अपने प्रतिनिधि चुन रहा है, मैं खुद अहमदाबाद गया था वोट डालने के लिए, देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वोट डालने के लिए कतार में खड़े थे, और दिग्गी राजा उनको न लोकतंत्र की चिंता थी, न नागरिकों के कर्तव्य की चिंता थी, न मतदाता की जिम्मेवारी की चिंता थी। उनको तो कैसे भी करके अरे दौड़ो, मत डालो, मत वोट डालो, मुझे बचाओ। ये नर्मदा परिक्रमा भी मुझे बचा नहीं पाई, अब भोपाल वालों बचा लो वरना मेरी तो नौकरी चली जाएगी, रो रहे थे कल। और इसलिए वोट डालने की जरूरत भी नहीं मानी। लोकतंत्र में पसंद हो नापसंद हो सकती है, आपकी यहां के मुख्यमंत्री से खींचातान हो सकती है। दिग्गी राजा, संभव है कि आपको वहां का उम्मीदवार पसंद न हो, वो आपका घर का झगड़ा है। अरे अंदर जाना था, उंगली दबाए बिना वापस आना था, लेकिन इतना तो कर देना था। आपका उनसे झगड़ा है, आपकी अंदरूनी लड़ाई है, इस प्रकार से खुली कर दी आपने, आप वोट का बहिष्कार कर दिया उनका, ऐसा क्या झगड़ा है आपका? अरे दिग्गी राजा, इतना क्यों डर गए? और आप तो जाकिर नाइक से भी नहीं डरते हो, फिर आपको अपने ही क्षेत्र के लोगों से डर क्यों लगा? ये कांग्रेस के महामिलावटी लोगों, देश का फर्स्ट टाइम वोटर हिंदुस्तान के सब नेताओं को बड़ी बारीकी से देख रहा है, उसके मोबाइल फोन पर सारी दुनिया की खबरों को वो तलाशता है। वो युवा साथी जो देश के विकास के लिए वोट डालने निकल पड़ रहा है, जो 21वीं सदी में भारत की भूमिका तय करने के लिए वोट डालने निकल रहा है, उसे आप यही सिखा रहे हैं कि मतदान करना जरूरी नहीं है? अरे आपने बहुत बड़ा पाप किया है दिग्गी राजा। भाइयों और बहनों, आज इस मंच से मैं देश के फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा, जिनका जन्म 21वीं सदी में पहली बार वोट देने का अधिकार दे रहा है, उनका जन्म या तो 20वीं सदी के एकदम आखिर में हुआ या तो 21वीं सदी में हुआ, लेकिन उनको जीवन में पहली बार देश का चुनाव के लिए वोट करना है, मध्य प्रदेश के लिए करने का मौका मिल गया होगा, देश का भविष्य तय करने का मौका उन्हें पहली बार मिल रहा है, और लोग वोट देते होंगे उनके दिमाग में 5 साल का हिसाब होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसके लिए तो इस शताब्दी के लिए वोट देना है, सदी के लिए वोट देना है, क्योंकि उसको इसी 21वीं सदी में जिंदगी गुजारनी है, उसकी शिक्षा दीक्षा रोजी रोटी नौकरी परिवार सब कुछ
इसी सदी में होने वाला है और इसलिए ये सदी का आरंभिक काल मजबूत होना चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए ताकि मेरे फर्स्ट टाइम वोटर की पूरी शताब्दी अच्छी हो जाए। और इसलिए मैं फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि कांग्रेस के इस रवैये को सजा देने के लिए भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। और भाइयों बहनों, आप इस वोट को ऐतिहासिक वोट मानिए, आपकी जिंदगी का पहला वोट आपको जीवन भर याद रहना चाहिए और आपने देश के भविष्य को गढ़ने में उंगली अपनी उंगली का उपयोग किया था, इस भाव के साथ जाना चाहिए। जो पंडित लोग कह रहे हैं ना वेव नहीं है, कुछ लोगों का रहता है चुनाव जैसे आगे बढ़ता है और उनकी नापसंद के लोगों की सरकार बनना तय हो जाता है, उनको पता है कि 23 मई के बाद फिर एक बार इसलिए हम नई नई कथाएं दिल्ली से प्लांट की जा रही है, शुरू किया गया है। पहले चला है वेव नहीं, अब पहले से मतदान ज्यादा हो रहा है तो उनको परेशानी है, उन्हें पता नहीं है इस चुनाव में दो लोग हैं जो बड़ा विक्रम कर रहे हैं। एक मेरे सारे नौजवान साथी जो पहली बार वोट दे रहे हैं, दूसरी मेरी माताएं बहनें जिन्होंने निर्णय किया है कि जिस भाई ने बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा तय की है उसको फिर से जिताना है। वो माताएं बहनें तय कर रही है जिसने हमारे घर में गैस का चूल्हा दिया है उसको फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। उन मां बहनों ने तय किया है कि जिसने हमारे बच्चों के भविष्य के लिए घर में बिजली पहुंचा दी है उसको फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और इसलिए वोट देने के लिए पूरी ताकत से मेरी माताएं बहनें बाहर आई हैं। जब माताएं बहनें आती हैं तो ये पंडितों को वेव कहां से आया है समझ ही नहीं आ रहा है, हर घर से वेव आया है। साथियों, कांग्रेस में चल रही रस्साकसी ने उसके बीच आपका ये चौकीदार हर आदिवासी, हर किसान, हर गरीब उसका जीवन आसान बनाने में जुटा है। छोटे किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार किसानों की लिस्ट देने में आनाकानी कर रही है। 23 मई को जब इनको झटका लगेगा तब इनको ये काम तेजी से करना ही पड़ेगा। हमने तय किया है कि 23 मई को जब फिर एक बार जब मोदी सरकार आएगी तब अभी जो 5 एकड़ की शर्त है उस शर्त को भी हटा दिया जाएगा और सभी किसानों के खाते में पैसा डाला जाएगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी गरीब के वर्तमान के साथ ही सबके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी काम कर रही है। उम्र के एक पड़ाव के बाद 60 साल की आयु के बाद गरीबों को, छोटे किसानों को, खेत मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए पैसे की दिक्कत न हो, इसके लिए ऐसे समाज के लिए जिसकी ओर कभी कभी परिवार के बच्चे भी नहीं देखते हैं, ये आपका बेटा देखने वाला है। और इसके लिए हमने पेंशन योजना तय की है, हर महीना पेंशन योजना लेकर के आएंगे और जो भी उसको जुड़ना चाहेगा उसको 60 साल के बाद पेंशन मिलेगा ताकि उसका बुढ़ापा कभी परेशान ना हो। इस देश का एक बेटा दिल्ली में भी तो होना चाहिए ना, जो 60 साल से ऊपर के लोगों की चिंता करे।
आपने एक ऐसे बेटे को बिठाया है जो 60 साल से ऊपर के वालों की भी चिंता करता है और 18 से 25 साल वालों की भी विशेष चिंता करता है। वो मध्यम वर्ग की भी चिंता करता है, वो गरीब की भी चिंता करता है, वो गांव की भी चिंता करता है, वो शहर की भी चिंता करता है, वो किसान की भी चिंता करता है, वो मजदूर की भी चिंता करता है, समाज के हर वर्ग की चर्चा करता है, हिंदुस्तान के हर कोने की चिंता करता है, हिंदुस्तान के भविष्य की चिंता करता है, हिंदुस्तान के वर्तमान की भी चिंता करता है। ऐसे बेटे को आपके आशीर्वाद की जरूरत है भाइयों, और इसलिए मैं आपके बीच आया। इसी तरह हमारे व्यापारी भाई बहनों के हितों पर ध्यान देने के लिए, सरकार के साथ उनका संवाद और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय व्यापारी आयोग भी बनाया जाएगा। व्यापारियों को 50 लाख रुपए तक का कर्ज बिना गारंटी उपलब्ध हो, ये व्यवस्था भी की जाएगी। भाइयों और बहनों, देश और लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए नई व्यवस्थाओं का निर्माण भाजपा सरकारों की पहचान है। देश में पानी से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने के लिए अब हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाने का फैसला लिया है। देश को कौशल विकास मंत्रालय भी भाजपा एनडीए सरकार ने ही दिया है। जरा आप ताकत से बताओ ना, आदिवासी थे कि नहीं थे? महाभारत काल में आदिवासी थे कि नहीं थे? राजा महाराजाओं के कालखंड में आदिवासी थे कि नहीं थे? अंग्रेजों के जमाने में आदिवासी थे कि नहीं थे? कांग्रेस के जमाने में आदिवासी थे कि नहीं थे? देश आजाद हुआ तब आदिवासी थे कि नहीं थे? लेकिन ये कांग्रेस वालों को पता नहीं था, उनको पता नहीं था कि मेरे देश में आदिवासी होते हैं, पता ही नहीं था। चार पीढ़ी, एक परिवार की चार चार पीढ़ी प्रधानमंत्री बन के रह गई, लेकिन उनके चश्मों में कभी आदिवासी नजर नहीं आया। ये अटल बिहारी वाजपेयी आए, अटल जी आए, आजादी के इतने सालों के बाद उन्होंने कहा कि मेरे जंगलों को अपने जान से भी जो प्यारा समझता है, जो आदिवासी हमारी महान परंपराओं को संभालता है, उसके विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाना चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासियों का अलग मंत्रालय बनाया, और ये हमारे साथी बैठे हैं, उनको मंत्री बनाया था अटल जी ने। पहला मध्य प्रदेश से आदिवासियों को उठा करके ये काम के लिए लगाया था भाइयों, ये काम अटल जी ने किया था। भाइयों बहनों, उन्हीं की प्रेरणा से हमारा प्रयास है कि जनजातीय क्षेत्रों में पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, इसके संसाधन बने। इसलिए सरकार द्वारा आदिवासी बच्चों के लिए देश भर में एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। वनधन केंद्रों के माध्यम से वनोपज में वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग पर हमारा बल है। बीते 5 वर्ष में एमएसपी के दायरे में आने वाली वन उपज 10 से बढ़कर 50 हो गई है। साथियों, मैं फिर दोहराऊंगा कि आदिवासी जमीन हो, जंगल हो, आदिवासियों का हक हो, जब तक मोदी बैठा है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, किसी भी आदिवासी की हक को नहीं छीना जाएगा, उसकी जमीन को नहीं छीना जाएगा। और ये झूठ बोलने वालों को, आपको भ्रमित करने वालों को सजा देने का ये वक्त है, ताकि आपके भविष्य को अधर में डालने का ये पाप करते हैं। अगर उनको आदिवासियों की परवाह रही होती तो अटल जी आने तक आदिवासियों की चिंता के लिए कोई मंत्रालय नहीं बनाने वालों को यह कहने का अधिकार नहीं है। भाइयों और बहनों, रतलाम ने देश की कनेक्टिविटी का, रेलवे का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इस पूरे क्षेत्र में रोड, रेल और हवाई कनेक्टिविटी सुधरे, इसके लिए हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। साथियों, नए भारत के तमाम संकल्पों को
पूरा करने के लिए आपको पूरी शक्ति से कमल खिलाना है। और आपसे मैं यही चाहूंगा, आप मुझे बताइए हिंदुस्तान मजबूत है कि नहीं है? हिंदुस्तान अब दुश्मनों के घर में घुस करके मारता है कि नहीं मारता है? आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? तो हिंदुस्तान और मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार और मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आपका ये चौकीदार भी तो मजबूत होना चाहिए ना। ये चौकीदार को मजबूती कहां से मिलेगी? इस चौकीदार को मजबूती कहां से मिलेगी? आपके एक एक वोट से मिलेगी। चौकीदार को मजबूत बना के लिए घर घर जाना है, लोगों को समझाना है, मतदान करवाना है, बूथ पर ले जाना है, कमल के निशान के सामने बटन दबाना है, और आपका एक एक वोट मोदी के खाते में जाएगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।